हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फूड की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ आप सबके बीच में न्यू रेसिपी लेके। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा और चावल के ऑमलेट। तो कैसे बनाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, देखते रहिए फुल वीडियो बिना स्किप किए। तो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से अगर आप लोग घर में ट्राई करेंगे तो। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल को ले लिया है और तीन अंडा ऑमलेट राइस के साथ, तो एक कटोरी चावल ले लिया है मैंने, उसे डाल लिया है। तो अब हम अंडा को भी फोड़ेंगे। अंडा को भी फोड़ लिया है, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो मैंने एक प्याज को धो के रख लिया था काट के। तब इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लोग भी घर में जरूर ट्राई करें। मैंने आवाज़ थोड़ा बैठ गया है गला, तो सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा शायद। थोड़ा बैठ गया है गला। आधा ही प्याज लिया है मैंने, बड़ा साइज था। तो हरा मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो अब हम इसकी मदद से इसको खोल लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे से खोल लेना है। बनके तैयार हो गया है, तब इसको हम ऑमलेट करेंगे। राइस ऑमलेट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक तवा को बैठा लिया है गैस के ऊपर। तो देख सकते हैं तवा गर्म हो चुका है। तो अब हम डालेंगे सरसों का तेल। बहुत ही ज़्यादा है तो मैं दो स्टाइल में बनाऊंगी ऑमलेट। टूटी गया इन साइड साइड का। तो इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। क्या बनाते पकाते हैं?
अब मैं सेकेंड स्टाइल में बनाने वाली हूँ क्रेडिनी का शेप का, देख सकते हैं इस टाइप का, देखते हैं कौन सा वाला अच्छा होता है। तो इतना है, देखते हैं कितना आएगा। थोड़ा ज्यादा आएगा, जिसे हम कलर के लिए ढक देंगे। खाली इतना ही बचा हुआ है, लोट हो आएगा। तो अब हम देखते हैं कैसा हो गया। तो इसके लिए ये है, बहुत ही धीरे धीरे से इसे पलटना है तरीके से। आप लोग भी घर में बना के जरूर खाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। लोग भी घर में जरूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये टिप्स कैसा लगा। बचे हुए चावल के साथ अंडा डाल के आमलेट बनाना बहुत ही इजी है। तो अब ये हो गया है, तो इसे हम अभी निकाल लेते हैं। जब इधर पलटेंगे ना तो इधर गोल शेप बन जाता है। तो फाइनली बन के तैयार हो गया है दो स्टाइल में। तो मुझे तो सबसे बड़ा प्यारा स्टाइल ये लगा, बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं इडली के स्टाइल में। और ये जो है पिज़्ज़ा के स्टाइल में मैंने कट कर लिया है, देखिए। तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। अगर आप लोग चाहे तो चावल को आप लोग मिक्सी में ग्रेट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, और ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।